खड़े वापस जवाब न दियो साहब, हम क्या लगे सर सर, ये छोटा भाई गोझिया ज्यादा खाता है ना। ठीक है चलिए साहब, क्या मिले क्या, चले चले सर चले। चल जब तू जिद ही कर रहा है, लेकिन सुन मेरी बात, ये तो थाना है, यहाँ तो तेरा मजाक चल जा रहा है, लेकिन तुझे मैं अपने घर ले चल रहा हूँ। अगर वहाँ कहीं इसी सलूट किया तो इसी डंडे से तेरी पिटाई मैं करूँगा। अरे ठीक है साहब, का ध्यान रखना इस बात को। चलो चल मेरे साथ। क्या बात है? अरे साहब क्या है? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, हम आपको बहुत मानता हूँ। क्या है ये? पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? इतनी तिली आए तो हर खून पियती रहे। अरे नालायक, गाल तो नरम कर दिया। नहीं सारा तितली को पकड़ लिया, छोटे से इनका हम खा लिए तो हर खून चूसे, जहर फैल जाएगा, मर जाओगी। वो गई साहब। हाँ आप तो चड्ढी का ही नहीं पहनो। क्या मतलब? नहीं हमका दिखाता है तो चड्ढी नहीं पहनो। तू बेकूफ है, तू बेकूफ है, तुझे कैसे दिखाई दे रहा है? हमका यही चश्मा से, यह चश्मा से हम भुइया के तरक देख लिए थे, अब गलत जगह नहीं लगाए। हाँ मेला वालम बिसात खाना में जरूर देखे थे। वहाँ क्या देखता है? बड़ी हमारिया सामान देखे थे, लाली लिपेटे कुन्ना बुन्ना। अच्छा 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 साहब, है ना? चड्डी नहीं पहने? हाँ ठीक है ठीक है, पहने नहीं ना? जी नहीं साहब, तो अरे एक जगह तीला है। अच्छा यहाँ, अरे ठीक है, जानी था साहब। साहब आपके ऊपर एक तो फिल्म बनी है, फिल्म फिल्म। हाँ फिल्म का नाम क्या है? क्या नाम है फिल्म का? निहुरो बताई। पागल हो गए हो, ये कोई फिल्म का नाम होता है? भोजपुरी आ बहन, जल्दी रिलीज भया है। गाना कौन है? कौन सा गाना है? राजा हिंदुस्तानी। अरे वाह, सुनो मेरी जानी। वाह निकालिए अब तो हर पे। बकवास कर रहे हो, ये गाना है? गाना गाना सुनाओ सुनाओ। तू गाना जानता है या सुनाएगा? तोरे साहब सहूर न हो, बदतमीज, मुझे 20 साल हो गए सर्विस करते हुए, नहीं, नहीं, बैठने का तरीका नहीं मालूम। तो वही तो तबियत सरक गए हुआ गए। अरे ये बता, ये ची ची की आवाज कहाँ से आ रही है? ये गाने का ससुर बघा रहता है। ओ गाने का ससुर बघा रहे हो या गाने का स्वर बना रहे हो? सुर सुर सुनाओ। अरे कितना भंगी तुझे रब ने बनाया। क्या कहा? भंगी। कितना भंगी? भंगी मुझे रब ने बनाया। नहीं इतनी बढ़िया। नहीं नहीं डाकू 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 की बात कर रहे हो? अरे कितना भंगी तुझे रब ने बनाया, जी चाहे पीटता रहूं। कितना भंगी तुझे रब ने जबान काट लूंगा। आपको नहीं कह रहा जी। किसको कह रहा है? मैं डाकू 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 को कह रहा है। तू है बंदी, तू है डाकू, सबसे प्यारा डंडा ने तूर दिया कंडा। हराम जादे,
मुझे भंगी बनाया, भेड़िया बनाया, मैंने कुछ नहीं बोला, साले मेरे सर पे डंडा मार के गए हो, अभी बता दो। इसे नीचे रखो। आए हूँ मेरे मौजे में तुम बहार बनके, घबराओ नहीं, बताऊंगा। जबा देखा तबा डरवावा थी इनका सरोवर, ये हमारे घरे एक दिन कूदा रहे, इनका हम कहियो ऐसे मारत मारत मार डाउ। अरे धीरे धीरे यहाँ राजा हमारे थजरिया चरमुला देना, अब ही बाली का नरिया चरमुला देना, चरमुला देना, धीरे धीरे यहाँ राजा हमारे थजरिया चरमुला देना, हो चरमुला देना, अब ही बाली का डंडा कहाँ लगा था रे भाई? क्या देखो मैं, और ठीक है भाई, सब बढ़िया है? आज बहुत खेलत यार, क्यों नहीं भैया? भैया करवा कावर है? नहीं ड्यूटी पे थे तो करवा कैसे भाई? नहीं नहीं जैसे क्या का तो चलनी में देखियो, फोटो मोबाइल में दिखा था ये देखा तो करवा का तो करवा। क्या बतलाऊं, हमारे स्वामी जी प्रिंसिपल की नौकरी करते हैं, आज क्या पितनों के वो ड्यूटी पर हैं, घर ही नहीं आए, उनकी याद मुझे बहुत आ रही है। हेलो, ओ मौसम हे आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको आए से में,
स्वामी जी आप ये बतलाइए कि आज आप अचानक प्यारी आशा जी क्या मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? जी नहीं मैं तो ये नहीं कह रही हूँ हाँ। लेकिन आप जब कभी भी आते थे या कोई फोन करते थे या कोई खत भेजते थे आज तो आप अचानक आ गए इसलिए मैंने पूछ बैठी। ये बात है जी फोन करना खत भेजना मेरी मजबूरी बन गई थी। कल रात 11:30 बजे डकैतों से मुकाबला हुआ और कल रात 12 बजे मेरे हाथ से ये डाकू मारा गया जिसका नाम डाकू तुर्जन सिंह था। तुर्जन सिंह हाँ लेकिन स्वामी जी आप तो जानते हैं डाकू लोग कितने खतरनाक होते हैं। अरे प्यारी आशा चिंता मत करो कुछ होने वाला नहीं है। इसमें क्या है अरे बदतमीज जो लंगोट ले साली होगा। हम भैया मोबाइल में देखे थे क्या नए नए फैशन भैया बढ़िया बढ़िया ना बैठो निहोर जाओ कोनो फर्क न पड़े। हाँ बढ़िया साहब बढ़िया भाजी हम सब हम भैया मोबाइल में देखे थे क्या अभी कपड़ा उतार दियो सब तो कपड़ा उतार दूंगी पहनूंगी क्या। अरे सुनबो और ये साड़ी उतार दियो साया उतार दियो एक ठू लाया हुआ हम सोने को लंगूट वही पहनो बढ़िया ऐसे चलो प्यारे मारे मैं तो भूल गई तुमसे एक खुशखबरी बताने वाली हूँ। खुशखबरी जी हाँ प्यारी आशा वो कौन सी खुशखबरी है लेकिन ऐसे नहीं मैं चुपके से तुम्हारे कान में बताऊंगी। कौन ऐसी बातें हैं जो तुम मेरे कान में बताओगी ठीक है जो तुम्हारी इच्छा है तो चलो कान में बताइए। बताओ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। खुशखबरी समझा कि उठा ही रहा है नहीं ये हमारा की ना है। अच्छा कब तू मेरे घर आया था आज पहली बार मेरे घर आ रहा है। नहीं नहीं ये मार छटकत यहाँ है। अरे हम उस काम नहीं करी हम इन्हें बाबा के पूजा के हैं हम कहा हमारे भैया के भौजी के आंगन में क्यों फूल खिलाए हम छिनारा नहीं ना केवल बलात्कारी हैं बस। सिपाही मैंने तुझसे वही बोल दिया था थाने पर भैया कि कोई ऐसा मजाक मेरे साथ में घर पर मत करना। नहीं नहीं देखिए तो देखिए भैया भैया बोला था नहीं ये क्या पता लगा रहा तू? नहीं है भैया पेटो में रुआवत आई मादर को। अरे प्यारी आशा ये मेरा सिपाही है मुझे थाने में भी परेशान कर देता है इसे मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। लेकिन प्यारे हाँ। मैंने सोचा था कि जब आप आएंगे कभी भी तो पहले हम लोग देवी माँ के मंदिर चलेंगे वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे उसके बाद आकर भोजन होगा फिर बाद में होगा कुछ कुछ। स्वामी जी ये बतलाइए ये कितने दिन से आपके साथ है? जब से मैं ड्यूटी पर लगा ये वहाँ का पुराना सिपाही है।
हमको लगता है उससे पहले ये हिजड़ों के साथ रहता था। नहीं नहीं, अपने घर आया है,